दोस्तों आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में जैसा कि पता है फ्रेंड्स कि आपको 16 दिसंबर को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है तो अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करके कर ही कर जाएं देखिए फ्रेंड्स हु इसी पैटर्न पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा इसलिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट फटाफट देख लें तो फ्रेंड्स इसके पहले हम पांच प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए हैं फ्रेंड्स जो प्लेलिस्ट में नहीं देखें तो वहां पर जाकर के देख लें आज हम प्रैक्टिस सेट छः को कवर करेंगे फ्रेंड्स ठीक है तो चलिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को जरूर दबाएँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा चलिए फ्रेंड्स आज का पहला सवाल देख लेते हैं आज का पहला सवाल देखिए फ्रेंड्स कि आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है तो कहाँ फ्रेंड्स तो सप्त सिंधु प्रदेश है ठीक है ना ऑप्शन नंबर सी इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है तो सप्त सिंधु सवाल नंबर दो है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित कहाँ है फ्रेंड्स तो देखिए जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है फ्रेंड्स वो माउंट आबू में पड़ता है ठीक है माउंट आबू राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है फ्रेंड्स यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है फ्रेंड्स उसको निर्माण किसने करवाया था तो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के जो समा था फ्रेंड्स सामंत था उसका नाम था बिमल शाह ने इसको बनवाया था तो याद रखिएगा प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है तो राजस्थान माउंट आबू में स्थित है फ्रेंड्स सवाल नंबर तीन को देखिए सवाल नंबर तीन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना तो देखिए दीन इलाही धर्म किसने चलाया था फ्रेंड्स ये भी आप याद रखिएगा तो अकबर द्वारा चलाया गया था तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही का सदस्य बना था तो राजा बीरबल है जो इसका सदस्य बना था अकबर के द्वारा ये चलाया गया था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर चार देखिए फ्रेंड्स कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था तो देखिए मधुसूदन दत्त ने आपका इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किसने मधुसूदन दत्त ने इसका अनुवाद किया था सवाल नंबर पाँच को देखिए सवाल नंबर पाँच है कि कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स आप लोग के लिए इसलिए पूरा जरूर देखिएगा पाँच का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग कर रहा है कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आए थे सवाल नंबर छः को देखिए फ्रेंड कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है छह का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है ठीक है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है जो आपको बोस्टन टी बोस्टन चाय पार्टी की सवाल नंबर सात को देखिए फ्रेंड्स सात है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था तो किस वर्ष किया था सत्याग्रह आंदोलन आरंभ फ्रेंड्स सवाल नंबर सात का जो राइट आंसर देखिए इसमें गलत दिया हुआ है ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत था, किया था उन्नीस सौ ईस्वी में किया था ठीक है लेकिन ऑप्शन में यहाँ कहीं पर नहीं दिया हुआ है इसका राइट आंसर क्या होगा उन्नीस होना चाहिए ठीक है चलिए तो सवाल हाँ फ्रेंड्स तो सवाल नंबर आठ को देखिए सवाल नंबर आठ है कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है तो देखिए बोयोमा जलप्रपात आपको बनता है फ्रेंड्स ये आपका जो नदी का नाम है लुआ लाबा नदी पर बनता है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा लुआ लाबा नदी ठीक है यहाँ तुआ लिख दिया फ्रेंड्स लेकिन नदी का नाम होता है लुआ ठीक है क्या होता है लुआ लू आ लाबा नदी पर बोयोमा जलप्रपात बनता है सवाल नंबर नौ को देखिए फ्रेंड्स सवाल नंबर नौ है कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स तो इसका जो मायूरी जनजाति है वो आपको न्यूजीलैंड में पाया जाता है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर होगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भारत की तटीय रेखा पर अभाव है किस चीज़ का अभाव है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्राकृतिक बंदरगाहों का और पोताश्रयों का दोनों का अभाव यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी भारत की तटरेखा पर अभाव क्या है तो प्राकृतिक बंदरगाहों और क्या है फ्रेंड्स पोताश्रयों का अभाव है सवाल नंबर ग्यारह को देखिए सवाल नंबर ग्यारह निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है तो सरयू नदी के तट पे आपका कौन सा शहर स्थित है फ्रेंड्स तो अयोध्या है जो आपको सरयू नदी के तट पर स्थित है चलिए सवाल नंबर बारह को देखें सवाल नंबर बारह बारह फ्रेंड्स की भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बारह का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू उपजता है ठीक है फ्रेंड्स चलिए सवाल नंबर तेरह को देखें कि एक तंत्र का अर्थ है एक तंत्र का अर्थ क्या होता है इसका होता है फ्रेंड्स मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन को ही एक तंत्र कहते हैं राजतंत्र में राजा शासन करता है फ्रेंड्स लोकतंत्र क् में क्या है जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व तो शासन करता है तो एक तंत्र है फ्रेंड्स तो एक तंत्र में क्या होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन सवाल नंबर चौदह को देखिए सवाल नंबर चौदह है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है तो राज्यों का संघ कहा गया है फ्रेंड्स यानी चौदह का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर पंद्रह को देखिए सवाल नंबर पंद्रह फ्रेंड्स की भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है पंद्रह का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाँच वर्षों के बीच में देखिए फ्रेंड्स आप लोग के पास समय कम है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करके जाए फ्रेंड्स ताकि आप लोग अच्छा करके आए एग्जाम में चलिए सवाल नंबर सोलह है भारतीय सांसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्टि की गई है सोलह का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल सवाल नंबर सत्रह को देखें कि भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था तो सवाल नंबर सत्रह का राइट आंसर क्या होगा गेस करें फ्रेंड्स तो जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि भारत का जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे लेकिन द्वितीय के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स तो द्वितीय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के वी सुंदरम थे जो भारत के भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे चलिए सवाल नंबर अठारह को देखें सवाल नंबर अठारह फ्रेंड्स कि भारत और चीन के अतिरिक्त देशों के निम्न समूहों में से किस में किससे म्यांमार की सीमा लगी है भारत और चीन के अतिरिक्त देशों के निम्न समूहों में से किससे म्यांमार की सीमा लगी है अठारह नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ठीक है फ्रेंड्स थाईलैंड लाओस और बांग्लादेश सवाल नंबर नौ को देखें फ्रेंड्स की विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन है उन्नीस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे सवाल नंबर बीस को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय पुनर्जीवन यानी पुनरुद्धार के पथ प्रदर्शक कौन थे बीस का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय ये भारतीय पुनरुद्धार भारतीय पुनरुद्धार के पथ प्रदर्शक थे ठीक है फ्रेंड्स राजा राम जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे सवाल नंबर इक्कीस को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा छद्म नाम है तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इक्कीस का तो इक्कीस का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है देखिए फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा छद्म नाम है तो देखिए स्टालिन फ्रायड और हो चिमी ये सभी है जो फ्रेंड्स क्या है तीनों मूल नाम है जबकि पेले है जो फ्रेंड्स नाम कहा जाता है अलग से रखा जाता है खिलाड़ी को फ्रेंड्स वो है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है चलिए सवाल नंबर बाइस को देखते हैं सवाल नंबर बाइस आपका कि बद्रीनाथ मठ किससे संबंधित है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स तो बाईस का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु भगवान से संबंधित है बद्रीनाथ मठ उत्तराखंड के चमेलू जिले में पड़ता है ठीक है फ्रेंड्स देखिए ये जो आपका बद्रीनाथ मठ है जो उत्तराखंड के चमेलू जिले के गढ़वाल पहाड़ियों में अलकनंदा किनारे अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ जो विष्णु भगवान से संबंधित है बाइस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल नंबर तेईस देखिए लौह का शुद्धतम प्रकार बताइए तो लौह का जो सबसे शुद्धतम प्रकार है जो कौन होगा फ्रेंड्स तो तेईस का राइट आंसर हो जाएगा आपका जिसको हम लोग क्या कहते हैं पिटवा लोहा या उसे रॉट आयरन भी कहा जाता है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स पिटवा लोहा को ही रॉट आयरन कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स लोह का शुद्धतम प्रकार बताइए तो रॉट आयरन या इसे ही पिटवा लोहा कहा जाता है सवाल नंबर चौबीस को देखिए फ्रेंड्स की रेल बंधु है क्या है रेल बंधु तो रेल बंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक है रेल बंधु के बारे में है राजधानी शताब्दी वातानुकूलित टोरंटो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका ही का नाम है क्या है रेल बंधु है कौन कौन सा ट्रेन में तो राजधानी में शताब्दी में वातानुकूलित टोरंटो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका है रेल बंधु सवाल नंबर पच्चीस को देखिए फ्रेंड्स सवाल नंबर पच्चीस है भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है पच्चीस का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार सवाल नंबर छब्बीस को देखिए फ्रेंड्स कथन के बारे में कहा गया है कथन एक में बिहार के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य मुंगेर से पाए गए हैं बिहार के प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होते हैं तो सवाल नंबर छब्बीस का जो राइट आंसर हो हो जाएगा जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों कथन है जो सही है बिहार के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य मुंगेश में पाए गए हैं और बिहार के प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होते हैं चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर सताइस को हाँ फ्रेंड्स तो सवाल नंबर सत्ताईस को देखिए क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार का सबसे बड़ा पक्षी बिहार कौन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है तो देखिए क्षेत्रफल की देखिये से सबसे बड़ा आपको पक्षी बिहार हो जाएगा कुशवेश्वर पक्षी बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पक्षी बिहार माना जाता है देखिए फ्रेंड्स कावर झील पक्षी बिहार इसके बारे में जान ले फ्रेंड्स भी कहां पड़ता है आपको तो बेगूसराय में पड़ता है जहां पर साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आते हैं ठीक है फ्रेंड्स और आपका जो नक्टी पक्षी बिहार है फ्रेंड्स ये कहाँ पड़ता था जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ठीक है याद रखिएगा नकटी पक्षी बिहार है जो कहाँ पड़ता है आपका तो जमुई में पड़ता है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार में सबसे बड़ा पक्षी बिहार कौन सा है तो कुशवेश्वर पक्षी बिहार है ये करीब फ्रेंड्स आपको सौ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है चलिए सवाल नंबर अट्ठाईस को देखते हैं फ्रेंड्स कि बिहार में निम्न में से कौन प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र है 28 का जो नंबर right बी राम हो जाएगा ठीक है सवाल नंबर अट्ठाइस का है जो राइट right आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी चलिए सवाल नंबर उन्तीस को देखते हैं कि बिहार में कब राजकीय पदा पथों का राष्ट्रीयकरण कर उसके अंतर्गत केवल राज्य परिवहन निगम की बसे को ही चलाने की छूट दी गई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी फ्रेंड्स उन्तीस का उन्तीस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कब उन्नीस में फिर से पढ़ें फ्रेंड्स कि बिहार में कब राजकीय पथों का राष्ट्रीयकरण करके उसके अंतर्गत केवल राज्य परिवहन निगम की बसें बसों को ही चलाने की छूट दी गई थी तो उन्नीस सौ अंठावन ईस्वी में चलिए सवाल नंबर तीस को देखते हैं फ्रेंड्स कि बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं तो कितना है फ्रेंड्स दो है फ्रेंड्स सवाल नंबर तीस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कितने हैं टोटल दो सौ तैतालीस अब देखिए पार्ट टू है फ्रेंड्स तो पार्ट टू में आपको मैथ और रीजनिंग से रहेगा फ्रेंड्स तो सिंपल सिंपल जो आप जनरल तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स उसको आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक है तो हम लोग अब फ्रेंड्स देखते हैं पार्ट तीन को देखते हैं पार्ट टू में इसी तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स पार्ट वन में आपको जिक के जी से प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स पार्ट टू में रहेगा उसमें भी जिक के जी रहेगा लेकिन उसमें फ्रेंड्स आपको पर्यावरण और विविध से पूछा जाएगा ठीक है तो सवाल नंबर छप्पन से हम लोग अब देखेंगे पार्ट टू को देखेंगे फ्रेंड्स देखिए पार्ट पार्ट टू हो गया फ्रेंड्स पार्ट थ्री को हम लोग देखेंगे पार्ट टू में आपको मैथ है तो चलिए पार्ट थ्री को देखते हैं कह रहा है फ्रेंड्स कि मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है छप्पन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक कॉपर होता है बहुत ही विभ्या तो सवाल है कि मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरों में कौन सा तत्व होता है तो कॉपर होता है सवाल नंबर संतावन को देखें कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है देखिए ये सब प्रश्न को जरूर याद रखें फ्रेंड्स पर्यावरण से संबंधित है ये जरूर ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है तो पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है तो संतावन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको रसेल कार्सन किसके द्वारा लिखा गया रसेल कार्सन याद रखेगा साइलेंट स्प्रिंग चलिए सवाल नंबर अंठावन को देखिए सवाल नंबर अंठावन है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है तो सवाल नंबर जो आपका फिफ्टी एट है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टाइटिन हो जाएगा ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है तो टाइटन चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर फाइव नाइन को देखते हैं कि किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स तो उनसठ का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी परिजीविक खाद्य श्रृंखला में क्या होता है जो इसका पिरामिड होता है वो उल्टा होता है किसमें परिजीविक खाद्य श्रृंखला में सवाल नंबर साठ को देखिए सवाल नंबर साठ है कि कार्बन लेवी क्या है कार्बन लेवी क्या है फ्रेंड्स तो कार्बन लेवी कार्बन इंधन पर लगाने वाला कर है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है कार्बन लेवी क्या है तो कार्बन इंधर पर लगाने वाला ये प्रकार का कर है सवाल नंबर एकसठ को देखिए सवाल नंबर इकसठ है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है कितना प्रतिशत आता है फ्रेंड्स तो पाँच प्रतिशत भाग है जो सुरक्षित क्षेत्रों में आता है सवाल नंबर बासठ को देखें सवाल नंबर बासठ है कि जेटोफ्रा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है बासठ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोंगमिया पिनाटा का सवाल नंबर तिरसठ को देखें सवाल नंबर तिरसठ आपका है फ्रेंड्स की निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए समुदाय रिजर्व फिर परिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र जीवमंडल रिजर्व वन्य जीव वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है तो तिरसठ का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहा है ठीक है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यानी केवल एक ठीक है केवल एक देख लेते हैं फ्रेंड्स केवल एक में क्या है कर आप फ्रेंड्स की निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए तो कर समुदाय रिजर्व है जो वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है तो सिर्फ समुदाय रिजर्व तय किया गया आठ फ्रेंड्स यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स चलिए सवाल नंबर चौंसठ को देखते हैं सवाल नंबर चौंसठ है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल दूसरा है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर योजना में क्या शामिल है तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी केवल दो यानी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ठीक है फ्रेंड्स यानी कि कह रहा है कि इनमें से प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन पर, पर योजना में क्या शामिल है तो यही शामिल फ्रेंड्स राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन सिर्फ शामिल है चलिए सवाल नंबर पैंसठ को देखिए सवाल नंबर पैंसठ अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान करती है इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है तो पैंसठ का जो आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जिप्सम ठीक है सवाल नंबर छियासठ को देखिए फ्रेंड्स सवाल नंबर छियासठ आपका है इनमें से कौन ऊर्जा का एक इकाई नहीं है तो छियासठ का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है के जी मीटर पर सेकेंड है जो आपका ऊर्जा की इकाई नहीं है बाकी जूल न्यूटन मीटर ठीक है वाट सेकेंड ये सभी है जो ऊर्जा की इकाई है जबकि के जी मीटर प्रति सेकेंड है जो ऊर्जा की इकाई नहीं है सवाल नंबर सड़सठ को देखिए फ्रेंड्स कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़े दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं सड़सठ का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क एल ए एन ठीक है लोकल एरिया नेटवर्क याद रखिएगा फ्रेंड्स जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं लाइन कहते हैं यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं एक माइक्रोन इसके बराबर होता है तो कितना होता है फ्रेंड्स एक माइक्रोन बराबर कितना होता है अड़सठ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स दस के पावर माइनस मीटर होता है एक माइक्रोन बराबर और एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है फ्रेंड्स तो दस के पावर माइनस नो होता है याद रखिएगा और एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है फ्रेंड्स तो दस के पावर माइनस बारह होता है एक पिकोमीटर बराबर और फ्रेंड्स आपका एक फेमटोमीटर बराबर कितना होता है तो दस के पावर माइनस पंद्रह होता है तो सभी को याद रखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पूछा जा रहा है एक माइक्रोन के बराबर फ्रेंड्स तो क्या होता है दस के पावर माइनस छो हो जाएगा चलिए सवाल नंबर उनहत्तर को देखें कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है उनत्तर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अवतल दर्पण का ऑप्शन नंबर सी किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सवाल नंबर सत्तर को देखें फ्रेंड्स कि तंतु प्रकार के प्रकाश बल्बों में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है तंतु प्रकार के प्रकाश बल्बों में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है

भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है तो बहत्तर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लोरीन से देखिए फ्रेंड्स जो पा, पानी दूषित हो जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है यही प्रश्न आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि नब, नगर है जो जल का उपचार किससे करता है तो क्लोरीन से करता है सवाल नंबर सेवेंटी थ्री को देखिए कि आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है तिहत्तर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रेडॉन का है आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन ट्रॉन बंधता है तो आपका रेडाउन का है सवाल नंबर चौहत्तर के देखिए मरकत निम्न से बनाया जाता है मरकत किससे बनाया जाता है तो चौहत्तर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए मरकत क्या होता है मरकत इसे या पन्ना भी कर सकते हैं ये हरे रंग का एक बहुमूल्य पत्थर होता है ठीक है फ्रेंड्स तो इसका जो निर्माण होता है बेरेलियम से होता है याद रखिएगा मरकत क्या है तो मरकत एक है जो मरकत या पन्ना कह सकते हैं ये हरे रंग का एक बहुमूल्य पत्थर होता है जो आपको बेरेलियम से बनता है याद रखिएगा फ्रेंड्स मरकत चलिए सवाल नंबर पचहत्तर को देखते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर पचहत्तर है निम्न में मिश्रण कौन है मिश्रण के बारे में पूछा जा रहा है दूध लोहा फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फिर है फिर हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक आम्ल्ल्ल्ल्ल पूछा जा रहा है एच पूछा जा रहा है तो कौन होगा इसमें फ्रेंड्स तो पचहत्तर का जो राइट आंसर हो जाएगा दूध है जो क्या है मिश्रण के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें पानी मिक्स होता है ठीक है फ्रेंड्स चलिए सवाल नंबर छिहत्तर को देखें उत्तक है एक उत्तक क्या है तो सवाल नंबर छिहत्तर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समान कोशिकाओं को, को समूह कहते हैं ठीक है फ्रेंड्स उत्तक यानी टीशू तो द कंबिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टीशू यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग उत्तक कहते हैं चलिए सवाल नंबर सतहत्तर को देखें निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है सतहत्तर का तो इसका देखते पढ़ के चलते फ्रेंड्स सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा था जी ये सही है बिल्कुल याद करते चलिए आप फ्रेंड्स कि मलेरिया का जो कारण खोजा था कौन रोनाल्ड डास ने खोजा सही है पंद्रहवीं सदी में वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था ये भी सही है एडवर्ड जेंडन ने टीका का खोज किया था ये भी सही है हेनरी कैवेंडिस ने ऑक्सीजन की खोज की थी ए है जो आपका कथन गलत है ठीक है फ्रेंड्स सतर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी हो जाएगा क्योंकि ये गलत है कह रहा है ऑक्सीजन का खोज किसने किया था फ्रेंड्स तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था सबको पता होगा मैंने फ्रेंड्स से कि सिले ने किया था सर्वप्रथम तो सिले ने ऑक्सीजन की खोज किया था ठीक है यहां पर दे रहा हैनरी कैवेंडिस तो गलत हो जाएगा

आर्ध्य और आर्ध बुल्फ में क्या अंतर है तो अस्सी नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आर्ध सुअर के सदृश और आर्ध बुल्फ है जो लकड़बग्घा के सदृश होता है ठीक है फ्रेंड्स यही इसमें अंतर है याद रखिएगा सवाल नंबर अस्सी का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आर्ध और आर्ध बुल्फ में क्या अंतर है तो आर्ध सुअर के सदृश और आर्ध बुल्फ है जो लकड़बग्घा के सदृश होता है चलिए सवाल नंबर अब देखिए भाग चार को देखते हैं फ्रेंड्स भाग चार में आपको हिंदी से इसी हाँ फ्रेंड्स तो भाग चार में देखिए क्या दिया हुआ है भाग चार में आपको दिया हुआ है जो हिंदी से है फ्रेंड्स इसी तरह से आपको बीस प्रश्न हिंदी से पूछा जाएगा कि इक्यासी बिरासी में क्या है कि निम्नलिखित वाक्य में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या एक और छ के अंतर्गत दिए गए के बीच वाले चार य बिना क्रम के हैं चारों अंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनिए देखिए आपको सेंटेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स इसको आपको सजा करके लिखना है तो जो सवाल नंबर इक्यासी है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है देखिए किस तरह से इसको सजाया फ्रेंड्स तो राज्यों के विभिन्न योजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से यानी पहले रहा होगा योजना आयोग के माध्यम माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका जो संसाधन दिया जाता उनका उद्देश्य उनका उद्देश्य देश के ठीक है देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरह से आपको एक चार एक और छः तो दिया हुआ है फ्रेंड्स लास्ट में लेकिन चार है इसमें जो उलट पुलट था इसी को एडजस्ट करना था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस तरह से आपको प्रश्न वहाँ पूछा जाएगा फ्रेंड्स देखिए बिरासी नंबर में भी उसी तरह से आपका पूछा हुआ है फ्रेंड्स एक दिया हुआ है जनजातियों लोगों का फिर चार इसमें जो उल्टा पुलटा दिया हुआ है फ्रेंड्स और फिर इसमें सजाना है तो जनजातियों लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स तो जनजातियों लोगों का फिर यहाँ देखिए में देना हुआ तो लास्ट में लाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसको मैं पढ़ करके सुना देता हूँ फ्रेंड्स क्या इसका होगा इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कि जनजातीय लोगों को ठीक है जनजातीय लोगों को अपनी अलग विशिष्ट सत्ता और पहचान को समाप्त न करते हुए राष्ट्रीय जीवन राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा ठीक है फ्रेंड्स राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किए जा रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप देख लिया मिला करके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चलिए सवाल नंबर तिरासी को देखते हैं किस शब्द की विशेषता बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है का। तो क्या है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है ऑप्शन नंबर सिक्स का राइट आंसर होगा फिर आगे फ्रेंड्स की जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स इसका विशेष सिकाला था ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर पचासी को देखिये विशेषण के कितने भेद होते हैं तो पचासी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार भेद होते हैं अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है सही संधि विच्छेद आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स एट्टी तो सिक्स है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मही जोड़ इंद्र ठीक है महेंद्र ये भी सही है नदी जो इस नदी से वधु जोड़ उत्सव वधोत्सव ठीक है फ्रेंड्स यानी इसका जो सभी सही हो जाएगा आपका ये हो गया महेंद्र नदीश और वधोत्सव यानी सभी सही यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए सवाल नंबर सतासी को देखें फ्रेंड्स सवाल नंबर सतासी है चौकोर शब्द में कौन सा समास है एट्टी सेवन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिग्गू समास क्योंकि चौकोर में संख्या वाचक आ रहा है सवाल नंबर एट्टी 80... हाँ फ्रेंड्स तो सवाल नंबर अट्ठासी को देखिए सवाल नंबर अट्ठासी है कि राम श्याम से चतुर है इस वाक्य में कौन सा कारक है तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपादान देखिए अपादान से क्या होता है फ्रेंड्स कहीं अलगाव का बोध होता हो या तुलना करने का बोध होता हो तो इसमें अपादान कारक का चिन्ह लगता है से ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तुलना किया जा रहा है राम श्याम से चतुर है इस वाक्य में कौन सा कारक हो तो अपादान होगा इसका उदाहरण और फ्रेंड्स जैसे कि पेड़ पर से लड़का नीचे गिरा इसमें भी अलगाव होता है तो इसमें भी अपादान हो जाएगा तो यहाँ पर भी आपका यही हो जाएगा सवाल नंबर एटी नाइन को देखें कि मैं आप अपने आप चला जाऊंगा इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है तो एटी नाइन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा मैं अपने आप से चला जाऊंगा क्या होगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा सवाल नंबर नब्बे को देखिए फ्रेंड्स की कि आत्मनिर्भर किस समाज का उदाहरण है तो नब्बे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष समाज का उदाहरण है आत्मनिर्भर इक्यानवे नंबर सवाल देखिए किस समाज का अंतिम पद प्रधान होता है इक्यानवे का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समाज का अंतिम पद होता है जो क्या होता है प्रधान होता है नाइन्टी टू का देखें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा नाइन्टी टू का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तोड़ हरण हो जाएगा चलिए सवाल नंबर नाइन्टी थ्री को देखें सवाल नंबर नाइन्टी थ्री है निम्नलिखित में से दुस्तर का सही संधि विच्छेद है तो नाइन्टी थ्री का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुह जोड़तर ठीक है याद रखिएगा दुस्तर दूसतर का सही संधि विच्छेद क्या होगा दुह जोड़ तर हो जाएगा अगला सवाल देखें नाइन्टी फोर को देखें कि हरियाली देखकर मन नाच उठा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है नाइन्टी फोर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया है चलिए सवाल नंबर नाइन्टी फाइव को देखें सवाल नंबर नाइन्टी फाइव है बीमार था इसलिए परीक्षा न दे सका इस वाक्य में अवयव क्या है नाइन्टी फाइव का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी संयोजक है बीमार था इसलिए परीक्षा न दे सका इस वाक्य में अवयव क्या है तो संयोजक फ्रेंड्स 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 चलिए देखते हैं देखिए से तक आपको एक गधांश दिया रहेगा इस गधांश को पढ़ करके इसी से आपको जवाब देना है फ्रेंड्स तो देखिए इसका जो गधांश है मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर इसका सवाल को भी हल कर देता हूँ ठीक है फ्रेंड्स देखिए हाँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा कह रहा है कि तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना प्रवण तथा सिंगरात्मक भावभूतियों सॉरी भावभूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता उनका संत हृदय पर कारून, परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है राम का जीवन धर्म धर्ममय सौंदर्य मर्यादापूर्णशील और आ, आत्मिक शौर्य का प्रतीक है फिर आ गया फ्रेंड्स की विजय रथ के रूप में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चित बना दिया है उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा मर्यादित जीवन चर्चा अथवा संत हरि रहनी को वाणी देता है उसके बाद में फ्रेंड्स आपका कि धर्म जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति की वैशिष्ट है तुलसी के काव्य में धर्म का अनाविल अनावरण और अक्षुण रूप ही प्रकट हुआ है मध्य युग की आध्यात्मिकता और प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतन सौंदर्य का प्रतिनिधि है जो सत्य तप करुण और मैत्री में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों को अनावृत करता है उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता उसके उसके आधार पर हम संत कवि कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं भक्ति उनके संतत्व की संतत्व की आंतरिक भाव साधना है इस भाव साधना को वाणी की अप्रत्यम क्षमता देकर उन्होंने निष्कम दीप शिक्षा की भांति अपने काव्य कला को नितसंग और निर्वैयक्तिक दीप्ति से भरा है ठीक है फ्रेंड्स देखिए थोड़ा टफ गधांश था अब देखिए इस तरह इससे किस तरह से सवाल आपको बनाया गया उपयुक्त गधांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा तो 96 का जो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी तुलसी की काव्य कला ठीक है उसके क्योंकि तुलसी के बारे में बताया गया फ्रेंड्स उसके बाद नाइन कभी तुलसी में उत्साह नहीं है तो नाइन्टी सेवन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विशुद्ध एवं कल्पनामय काव्य प्रणयन का देखिए सब इसमें दिया हुआ था फ्रेंड सवाल नंबर नाइन्टी एट को देखिए कि तुलसी के काव्य में किस भाव साधना को वाणी दी गई है तो नाइन्टी एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्ति भावना दी गई है नाइन्टी नाइन को देखिए तुलसी के राम प्रतीक हैं तो नाइन्टी नाइन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शील सौर्य और सौंदर्य चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा व्यक्त हुई है तो सौ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स संत की सं, संतों की सी जीवनाचार्य की ठीक फ्रेंड्स तो देखिए आपको इस तरह सा प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो सोलह दिसंबर को एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का आप लोग कवर करके जाएँ फ्रेंड्स तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक यू धन्यवाद